कचहरी बंद। जी हां, यूपी की आज की सबसे बड़ी खबर, जहां पर यूपी के वकील आज कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। शिशिर हत्याकांड को लेकर बार काउंसिल ने यह ऐलान किया है। बता दें कि लखनऊ में 7 जनवरी को वकील शिशिर त्रिपाठी की हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड में अब तक 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वकीलों की हत्या के खिलाफ बार काउंसिल ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। तो आपको बता दें कि आज कचहरी बंद रहेगी, क्योंकि बार एसोसिएशन के जरिए ये ऐलान आज कार्य बहिष्कार का, चूंकि अब तक 9 लोग इस हत्याकांड को लेकर गिरफ्तार किए गए हैं और ऐसे में इन वकीलों के जरिए सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार वकीलों की सुरक्षा कौन करेगा। तो शिशिर हत्याकांड के विरोध में बार काउंसिल ने ऐलान किया है। हत्याकांड में बता दें कि अब तक 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साथियों की हत्या के खिलाफ ये जो हड़ताल है आज बुलाया गया है, ऐलान किया गया है बार काउंसिल के जरिए। तो 7 जनवरी को आपको बता दें कि बदमाशों ने इस हत्या को अंजाम दिया था और अब इस मामले में हालांकि 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से पूरी नहीं हुई है और ऐसे में सवाल लगातार कार्रवाई को लेकर, जांच को लेकर, साथ ही अपनी सुरक्षा को लेकर भी इस वकील आज पूछ रहे हैं। और गगन मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए। गगन, क्या जानकारी इस कचहरी बंद को लेकर, कार्य बहिष्कार को लेकर? जिस तरह से लगातार वकीलों की हत्याएं हो रही हैं, उसी के विरोध में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पूरे प्रदेश भर में हड़ताल का आह्वान किया है और जितने भी वकील हैं पूरे प्रदेश में आज कार्य का बहिष्कार करेंगे, किसी प्रकार से कोई काम नहीं करेंगे। इसका जो भी देखने को मिलेगा पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा, चाहे वो लखनऊ हो चाहे इलाहाबाद हो, क्योंकि जिस तरह से लगातार अभी हाल ही में लखनऊ में शिशिर की हत्या होती है, क्योंकि शिशिर उन नक्सल के खिलाफ आवाज उठा रहा था जो नशे का कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस उनकी सुन नहीं रही थी, जिसकी वकीलों में काफी आक्रोश था कि पुलिस ने जानबूझकर वकील को बात को अनदेखा किया। इसी को लेकर आज हड़ताल बुलाई गई है और माना जा रहा है कि आज काफी आम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिनकी आज कोर्ट में या कचहरी में डेट होंगी। तो फिलहाल अभी हड़ताल शांति रूप से होगा, किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन नहीं होना है, सिर्फ कार का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन गगन ये बताइए, क्या ये सिर्फ एक दिन का बहिष्कार है या फिर आगे भी आज के बाद ये चेतावनी दी जाएगी? कि फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया था। उनकी मांग है कि फिलहाल हम आज कार्य बहिष्कार करेंगे, अगर भविष्य में हम वकीलों को सुरक्षा नहीं मिलती है या पुलिस का रवैया ठीक नहीं होता है, वकीलों की हत्याएं कम नहीं होती है, तो आगे और भी विकराल रूप हड़ताल को देंगे, लेकिन फिलहाल एक दिन का हड़ताल का आह्वान किया है। चलिए, फिलहाल धन्यवाद आपका गगन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपने साथी की हत्या के लिए फिलहाल वकीलों का आज ये हड़ताल है, ऐलान किया है कार्य बहिष्कार का बार काउंसिल के जरिए। तो 7 जनवरी का मामला है, जब वकील शिशिर त्रिपाठी की हत्या की गई थी, हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और उसी के विरोध में बार काउंसिल का ऐलान किया गया है कार्य बहिष्कार का। बता दें कि 9 लोग अब तक इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी भी इसमें हो चुकी है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने यह हड़ताल बुलाई है, जहां पर आज वकील कोई काम नहीं करेंगे और ऐसे में लोगों को दिक्कत यहां पर होने वाली है। तो यूपी में वकीलों की हत्याओं के खिलाफ ये हड़ताल बुलाई गई है। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग अब ये वकील कर रहे हैं। तो आज लोगों के लिए दिक्कत भरा दिन रहने वाला है, जिनकी सुनवाई आज कोर्ट में होनी होगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी होगी। तो ऐसे में हड़ताल में वकील किसी भी तरह का कामकाज नहीं करेंगे, जिसका असर आम लोगों पर इसका पड़ने वाला है। तो यूपी में वकीलों की जिस तरह से हत्या हो रही है, उसी के खिलाफ ये रोष है, आक्रोश है और उसी के चलते ये एक दिन का कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है। 50 लाख के मुआवजे की मांग यहाँ पर मृतकों के परिवार के लिए यहाँ पर की गई है। तो वकीलों को आसानी से हथियारों का लाइसेंस देने की भी मांग यहां पर इन वकीलों के जरिए की जा रही है।